प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ का सरकार से आग्रह है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों और उनकी समस्याओं पर ध्यान देना शुरू करें। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के लिए राजनीतिक पार्टियां हमेशा कर्मचारियों के वोट हासिल करने के लिए, उनके परिवार के वोट हासिल करने के लिए अपने मैनिफेस्टोस के अंदर तरह तरह के वादे करते हैं और कर्मचारियों से कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, मगर जैसे सत्ता में सरकार बैठ जाती है तो सरकारें कर्मचारियों की समस्याएं उनके मांगों को भूल करके कर्मचारियों को गुटों में बांटने का प्रयास शुरू हो जाता है। उससे होता क्या है कि जहां कर्मचारी असमंजस की स्थिति में होते हैं वहीं कर्मचारियों की समस्याएं उनकी मांगे हल नहीं हो पाती है और सरकार और कर्मचारियों के बीच में एक समन्वय बैठने के बजाय जिससे प्रदेश का भला हो, प्रदेश के विकास में अच्छा योगदान सबका हो, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गैप पनपता है। महासंघ पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि कम से कम सरकार कर्मचारियों की बात सुने, समझे और कर्मचारी नेतृत्व भी एक कर्मचारियों का चुना हुआ संगठन होता है, जैसे राजनेता चुनकर आते हैं वैसे ही संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत महासंघ का चुनाव होता है और उसका सरकार को चाहिए कि मेरिट के आधार पर आप सरकार कर्मचारियों के विषयों पर उनसे वार्ता करें। पर ना जाने क्यों सरकार इस बात से हिचकिचा रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जयराम सरकार 2.5 साल में 3 साल के कार्यकाल में कर्मचारी नेतृत्व को मानने और समझने को तैयार नहीं है। आखिर कौन वो लोग हैं? मुख्यमंत्री स्वयं अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची जी एक बेहतर कुशल प्रशासक हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं। हमको उम्मीद थी कि सरकार इस बार कहीं ना कहीं जो पिछली एक लाइन थी उससे हटकर एक नए विचार से काम करेगी, परंतु वो वही भ्रम की स्थिति आज भी खड़ी है। इससे प्रदेश का कर्मचारी असमंजस की स्थिति में है कि हर बार कर्मचारी ठगा क्यों जाता है, आखिर किसके स्वार्थ पूरे होते हैं। मुख्यमंत्री सरकार में बैठे उनके कुछ लोग यहाँ तक सिचुएशन आ गई हैं कि कुछ लोग, मुख्यमंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि कुछ लोग अधिकारियों कर्मचारियों को डरा धमका कर क्या दिखाना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। हिमाचल का प्रदेश का कर्मचारी हमेशा कर्मठ रहा है, अब ईमानदारी से काम करता है और जो कुछ मामले आ भी रहे हैं करप्शन से रिलेटेड या रेगुलेटरी से रिलेटेड उसके लिए वो जिम्मेवार कम है। हम ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी ऊपर से तय हो। कोई भी जब आप सरकार में बैठे लोग, बड़े लोग ही नियमों और कानून प्रक्रियाओं को धत्ता मतलब उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे और एक दादागिरी तानाशाही कर आप किसको दबाने का प्रयास करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी कभी निर्भय स्वतंत्र नहीं हो सकता। ये छोटा सा प्रदेश है, हमने बार बार कहा है, बहुत छोटी समस्याएं हैं जो वित्त से जुड़ी नहीं है, जो फाइनेंशियल डिमांड्स नहीं, उसके अलावा बहुत समस्या है, उसको सुलझाने का तुरंत काम हो। मुख्यमंत्री महोदय इस पर तुरंत निर्णय लें और हमारा ये सरकार से आग्रह है कि कर्मचारियों महासंघ का सहयोग लेने का आप प्रयास करें। वो प्रदेश हित में है, सरकार हित में है, कर्मचारियों के हित में है और ये जो तथा कथित जो मतलब एक डिवीजन करवाया गया है या करवाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा अपनी राजनीतिक मतलब उसको अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उससे सरकार बाहर आए। ये सरकार और कर्मचारियों के बीच का मसला है, इसमें किसी दलालों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, कर्मचारियों का 7th Pay Commission केंद्रीय वेतन आयोग आज तक लागू नहीं हुआ है। हम बार बार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सरकार उस पर तुरंत फैसला ले और उस पर, जबकि सरकार 21% IR पहले ही रिलीज कर रही है तो इसको लेकर सरकार पर कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला नहीं है, परंतु कर्मचारियों का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उनकी सेवा काल के दौरान हो रहा है तो उस पर उसका शीघ्र फैसला ले और कर्मचारी उम्मीद करेंगे कि बड़ी जल्दी मुख्यमंत्री इस पर अपना एक बेहतर निर्णय लें, ऐसी उम्मीद है।